गुड मॉर्निंग एवरीवन. बेटे आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स, कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. अब इस रिलेशनशिप को समझने के लिए या पढ़ने के लिए या अच्छी तरह से हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें यहाँ कंसेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. कंसेप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे. तो इंटरेस्ट रेट के दो कंसेप्ट है बेटे. एक होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और दूसरी तरह का होता है रियल इंटरेस्ट रेट. जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है उसको हम आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई, और जो रियल इंटरेस्ट रेट है उसको हम आर से डिनोट करते हैं. एक्चुअल में इकोनॉमिक्स में कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिनको लोग यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के लिए हमेशा स्मॉल आई यूज़ किया जाता है. अगर आप अपनी रीडिंग्स भी देखेंगे तो उसमें भी आपको स्मॉल आई ही नज़र आएगा, और रियल इंटरेस्ट रेट के लिए आपको हम आर यूज करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं रियल इंटरेस्ट रेट को. अब सवाल आता है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता क्या है, कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं. तो इट इज द रेट दैट बैंक पेज टू इट्स कस्टमर्स, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से आपको मिलता है ना, यानी कि अगर बैंक कहता है कि भाई हम अपनी फिक्स डिपॉजिट पर 10% इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं, तो उस टाइम वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बता रहा होता है. उस टाइम वो क्या बता रहा होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बता रहा होता है. यानी कि जो इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफर करता है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. इज दैट ओके? अब बारी आती है कि रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है. इसका मतलब होता है कि इट इज द इंक्रीज इन योर परचेजिंग पावर, इंक्रीज इन योर परचेजिंग पावर, यानी कि आपकी एक्चुअल में परचेजिंग पावर. देखो होता क्या है कि मान लीजिए, मैं अभी एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगा कि जो भी अब इंटरेस्ट रेट बैंक आपको ऑफर कर रहा है वो इंटरेस्ट रेट जरूरी नहीं है आपको उतनी ही आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाए, यानी कि आपकी नॉमिनल इनकम तो उतनी बढ़ जाएगी बट आपकी रियल इनकम जिसको हम परचेजिंग पावर की टर्म्स में कहते हैं वो नहीं बढ़ेगा. तो ऐसी रियल इंटरेस्ट रेट भी किसकी टर्म्स में मेजर करते हैं, परचेजिंग पावर की टर्म्स में मेजर करते हैं. तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं. सपोज कर लेते हैं कि यहां पर हम लिखते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आई है वो यहां हम रिप्रेजेंट करेंगे. यहां हम लिख देते हैं इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई कितनी हुई है. इन्फ्लेशन रेट को हम पाई से डिनोट करते हैं. पाई यहां पर पाई का मतलब, यहां पर पाई को हमने एज अ सिंबल यूज किया है. पाई को एज अ एक्चुअल पाई की जो वैल्यू होती है वो हम यूज नहीं कर रहे हैं मैथमेटिकली, हम पाई को एज अ सिंबल यूज कर रहे हैं, एज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग और इंडिकेटिंग द इन्फ्लेशन रेट.
यहां हम लिख लेते हैं कि अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर यहां हम लिखते हैं अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर, यहां हम लिखते हैं कि प्राइस इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, और यहां हम लिखते हैं कि प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर, यहां हम लिखते हैं कि परचेजिंग पावर इन बिगनिंग, यानी कि शुरुआत में जो भी परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर इन द बिगनिंग, और यहां हम लिखते हैं परचेजिंग पावर एट द एंड, यानी कि ईयर के बिगनिंग में। तो पहला हम केस ले लेते हैं, केस वन, सॉरी ये गलत जगह पर लिख दिया मैंने, लेट मी रिरेज इट। यस, सपोज कर लेते हैं कि केस वन है कि बैंक जो ऑफर कर रहा है वो 10% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, और इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई जो है जीरो है, यानी कि 0% है, या आप कह सकते हो कि कोई भी महंगाई पूरे साल नहीं हुई है, यानी कि कोई भी प्राइसेस पूरे साल में नहीं बढ़े हैं। हम ये एग्जाम्पल के तौर पर मानकर चल रहे हैं ताकि हमें कंसेप्ट समझ में आए। तो सपोज करते हैं बिगनिंग, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर आपने अपने बैंक में 1000 रुपीज, ये रुपीज में है, 1000 रुपीज क्या किए आपने, डिपॉजिट किए। अब अगर 1000 रुपया आपने अपने बैंक में डिपॉजिट किया है और 10% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपका एक साल के बाद आपके अकाउंट में 1100 रुपए हो जाएंगे, यानी कि 1100 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सपोज कर लेते हैं बिगनिंग में प्राइस थे 10 रुपीज पर यूनिट, ये प्राइस है रुपीज में, 10 रुपीज पर यूनिट थे। तो अगर कोई इन्फ्लेशन नहीं हुआ, तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई का बढ़ना, प्राइसेस का बढ़ना। अगर इन्फ्लेशन रेट इकोनॉमी में जीरो है तो इसका मतलब इकोनॉमी में प्राइसेस भी कैसे हैं, प्राइसेस में भी कोई चेंज नहीं आया है। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट होता है चेंज इन प्राइसेस, चेंज इन प्राइसेस, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइसेस, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं। तो अगर प्राइस चेंज हो तो ईयर के एंड में भी प्राइस 10 रुपीज ही रहेगा। तो अब देखिए, सपोज करो इन द बिगनिंग ऑफ ईयर आपके पास 1000 रुपए थे, इन द बिगनिंग ऑफ ईयर आपके पास 1000 रुपए थे, उस टाइम प्राइस कितने थे, 10 रुपए थे पर यूनिट। तो आपकी परचेजिंग पावर क्या थी, आपकी परचेजिंग पावर थी 1000 डिवाइडेड बाय 10, तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 100 यूनिट्स, आपकी परचेजिंग पावर थी 100 यूनिट्स। यानी कि जब आपने बैंक में पैसे जमा नहीं किए थे, उस टाइम जब आपने 1000 रुपया आपके पास था, 1000 रुपीज आपके पास थे, प्राइसेस 10 रुपीज थे, तो उसके हिसाब से आपके पास जो परचेजिंग पावर थी वो 100 यूनिट्स तक को परचेज करने की थी, किसी भी कॉमोडिटी के 100 यूनिट्स तक आप परचेज कर सकते थे। अब देखते हैं कि अगर इन्फ्लेशन नहीं है और बैंक ने नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, तो एक्चुअल में हमारी हमारे पास आगे 1100 रुपए, तो इस केस में अगर हमारे पास 1100 रुपए आ रहे हैं तो हमारी परचेजिंग पावर कितनी है, तो अब हमारी परचेजिंग पावर होगी 1100 रुपए डिवाइडेड बाय 10, यानी कि परचेजिंग पावर एट द एंड ऑफ ईयर के लिए हम अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर लेंगे और प्राइसेस एट द एंड ऑफ ईयर लेंगे। तो प्राइसेस एट द एंड ऑफ ईयर 10 है क्योंकि इन्फ्लेशन हुआ नहीं, तो आप अब 110 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए कि अगर इन्फ्लेशन रेट जीरो है इकोनॉमी में, तो जो भी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट था उससे आपकी इनकम बढ़ी, उससे आपकी नॉमिनल इनकम बढ़ी, नॉमिनल इनकम 10% बढ़ी, तो आपकी परचेजिंग पावर भी 10% बढ़ गई। ये देखिए, पहले आप 100 यूनिट्स परचेज कर पा रहे थे,
अब आप 110 यूनिट्स परचेज कर पा रहे हैं, यानी कि आपकी परचेजिंग पावर में भी 10% का इंक्रीज हो गया है। पर यह कब हुआ है? जब इन्फ्लेशन रेट इकोनॉमी में जीरो है। अब केस सेकंड देखते हैं, इसी को समझने के लिए केस सेकंड देखते हैं। सपोज करो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 10% है, पर इन्फ्लेशन रेट भी 10% है, यानी कि महंगाई भी 10% बढ़ गई है। तो इसका मतलब आपने अगर साल के शुरुआत में 1000 रुपए डिपॉजिट किया है तो आपके एक साल के बाद कितने बन जाएंगे? 1100 रुपए। प्राइस मान लेते हैं 10 रुपए थे। अब क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 10% है तो यानी कि प्राइस 10% से बढ़ जाएंगे। 10 रुपए का 10% होता है 1 रुपया, यानी कि अब प्राइस हो जाएंगे 11 रुपए, यानी कि ईयर के एंड में प्राइस कितने हैं? 11 रुपए हैं। तो अब देखते हैं परचेजिंग पावर में क्या चेंज आया है। परचेजिंग पावर इन द बिगनिंग ऑफ ईयर कितनी थी हमारी? अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ ईयर अपॉन में प्राइस इन द बिगनिंग ऑफ ईयर, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 10, दिस विल कम आउट टू बी 100 यूनिट्स। अब देखते हैं क्या परचेजिंग पावर मिली है हमें। अब हमारी क्या परचेजिंग पावर अभी भी बढ़ी है, यानी कि अब परचेजिंग पावर हम चेक करेंगे कि अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस एट द एंड ऑफ ईयर। अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर था 1100 रुपए, प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर थे 11 रुपए। तो अगर आप देखोगे तो इसको डिवाइड करोगे तो भी 100 यूनिट्स ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक ने आपको 10% का इंटरेस्ट रेट दिया, यानी कि आपको लगा कि मेरी इनकम 10% से बढ़ जाएगी इन ईयर के एंड में, पर क्योंकि इन्फ्लेशन था, अब क्योंकि महंगाई भी थी जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो एक्चुअल में आपकी नॉमिनल इनकम तो आपको बढ़ी हुई नजर आएगी कि 1000 रुपए से 1100 रुपए आपके पास हो गए, पर एक्चुअल में आपकी परचेजिंग पावर में कोई चेंज नहीं आया। आपकी परचेजिंग पावर उतनी की उतनी ही है, जितनी परचेजिंग पावर पहले थी उतनी ही परचेजिंग पावर अब है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि जिस रेट से आपको बैंक इंटरेस्ट ऑफर कर रहा था, यानी कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो ऑफर कर रहा था, उस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में चेंज आ गया, यानी कि रियलिटी में आपको 10% का कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिला, यानी कि एक साल की शुरुआत में भी आप वहीं थे जहां पर एक साल के एंड में है, यानी कि बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के बाद भी आपको नॉमिनल, यानी कि दिखने में तो आपको मिला 10%, बट महंगाई के कारण, इन्फ्लेशन के कारण आप अपनी परचेजिंग पावर बढ़ा नहीं पाए, यानी कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी नहीं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन वहां पर था। अब केस दूसरा देख लेते हैं, केस थर्ड है। सपोज करो बैंक 10% ही इंटरेस्ट रेट दे रहा था, अब की बार इन्फ्लेशन रेट हम 10% नहीं मानते, हम मान लेते हैं 5% है इन्फ्लेशन रेट, यानी कि अब इन्फ्लेशन रेट को थोड़ा कम कर हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। तो अमाउंट आपके पास शुरू में था 1000 रुपीज, आपने बैंक में डिपॉजिट किया, क्योंकि बैंक क्या करता है कि बैंक आपको जो भी इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस करता है वो इंटरेस्ट रेट एट द एंड दे देगा, तो आपके पास हो जाएंगे 1100 रुपए। 1100 रुपए आपके पास हो जाएंगे, प्राइस है मान लो ईयर के बिगिनिंग में 10 रुपए। अब इन्फ्लेशन रेट कितना है? 5% है, यानी कि 10 रुपए का 5% हिस्सा बढ़ेगा, यानी कि अब प्राइस हो जाएंगे 10 रुपए 50 पैसे। अब प्राइस हो जाएंगे 10 रुपए 50 पैसे, यानी कि 10 रुपीज 50 पैसा प्राइस हो जाएंगे एट द एंड ऑफ ईयर। एट द एंड ऑफ ईयर अगर 10 रुपीज 50 पैसा प्राइस हो जाएंगे, तो अब आप परचेजिंग पावर की मेजर कीजिए इन द बिगनिंग ऑफ ईयर। इन द बिगनिंग ऑफ ईयर परचेजिंग पावर होगी 1000, क्योंकि बिगनिंग में हमारे पास इनकम कितनी है? 1000 है, और प्राइस कितने हमारे? 10 रुपीज हैं अपॉन में 10, तो आप 100 यूनिट्स परचेज कर पा रहे थे, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ ईयर क्या हो रहा है? आपके पास रुपए तो कितने मिल रहे हैं? नॉमिनल फॉर्म में तो कितने मिल रहे हैं? 1100, बट प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, तो प्राइस बढ़ गए हैं, तो 10.5 से अगर आप डिवाइड करोगे 1100 रुपए को, तो आई थिंक ये लगभग आएगा 104 रुपए 76 समथिंग पैसा, यानी कि लगभग अगर आप देखो तो आपकी परचेजिंग पावर अब 10% से नहीं बढ़ी है, बल्कि लगभग परचेजिंग पावर 5% से बढ़ी है। अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं कि 105 रुपए आपको मिले, अप्रोक्सीमेटली, मैं बार बार यूज कर रहा हूं अप्रोक्सीमेटली,
4.76 रुपए अगर हम राउंड ऑफ कर दें इसको तो 5 रुपए बन जाएंगे लगभग। तो इसका मतलब यह होगा कि लगभग आपके जो परचेजिंग पावर पर यूनिट्स बढ़ी है वो 5% से बढ़ी है। देखो 100 से 105 हुई है तो कितनी यूनिट का चेंज हुआ परचेजिंग पावर में, 5 यूनिट्स का चेंज। कितने का हुआ है, 5 यूनिट्स का चेंज हुआ है। अगर ये चेंज 5 यूनिट्स का हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी परचेजिंग पावर, अब 5 यूनिट्स 100 का कितना परसेंट होता है, 5%, तो यानी कि आपके जो परचेजिंग पावर है सिर्फ 5% से इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक जो भी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमें ऑफर कर रहा है पर जो भी रियल इंटरेस्ट रेट, सॉरी जो भी इन्फ्लेशन रेट मार्केट में, जो भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट है वो अल्टीमेटली हमारी परचेजिंग पावर को अफेक्ट करता है। दिस इज व्हाट वी हैव सीन, ये हमने अभी देखा है। तो इस एग्जांपल की हेल्प से अगर आप देखें, अगर इस एग्जांपल को आप देख रहे हैं तो इसमें अगर हम देखें तो एक रिलेशनशिप जो है, जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो रिलेशनशिप कुछ इस तरह का है कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है, रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, माइनस इन्फ्लेशन रेट। अब ये जो रिलेशनशिप मैंने यहां लिखा है ये अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप है, ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, यानी कि रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट अगर आर है, आर से डिनोट करते हैं तो आर लिख दिया, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमारा आई है और इन्फ्लेशन रेट हमारा पाई है, तो ये हमारा हो गया रियल इंटरेस्ट रेट। अगर इन तीनों केसेस में हम देखें तो यहां पर इन तीनों केसेस में अगर हम देखें तो मैं यहां कैलकुलेट कर रहा हूं, केस वन में रियल इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा है कि हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमारा है 10% माइनस इन्फ्लेशन रेट हमारा है 0%, तो रियल इंटरेस्ट रेट भी 10% है, यानी कि हमारी परचेजिंग पावर भी 10% से इंक्रीज हो रही है जैसा कि हमने फर्स्ट केस में देखा था। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन सो दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई माय पॉइंट्स। ये देखो केस वन में हमने क्या दिया है, केस वन में हमने किया है कि ये जो केस वन था, ये वाला जो केस था, इसमें क्या था, इन्फ्लेशन रेट 0 है और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 10% है, इसलिए जो भी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट था उसने पूरे की पूरी हमारी परचेजिंग पावर बढ़ा दी। देखो यहां पर 10 यूनिट बढ़ रही है तो 10 यूनिट इज द 10% ऑफ 100, तो इसलिए ये 10% से ही हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई। केस सेकंड में क्या हो रहा है, केस सेकंड में क्या है, रियल इंटरेस्ट रेट फिर से माइनस पाई, तो अगर आप देखें तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 10% है, मैंने यहां 10% लिख दिया, माइनस इन्फ्लेशन रेट भी 10% है, यहां 10% लिख दिया, तो अगर आप देखोगे तो रियल इंटरेस्ट रेट आ रहा है 0%, यानी कि हमारी परचेजिंग पावर 0% से बढ़ेगी। तो सेकंड केस में देखिए 100 बिगनिंग ऑफ द ईयर में भी 100 यूनिट्स हम खरीद रहे थे, एट द एंड ऑफ ईयर में भी हम 100 यूनिट्स ही खरीद रहे हैं, यानी कि हमारी परचेजिंग पावर में कोई भी चेंज नहीं आया है, हमारी परचेजिंग पावर में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया है। नेक्स्ट आता है केस थर्ड में अगर हम देखते हैं तो रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू होगा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमारा कितना है 10% है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 10% है माइनस इन्फ्लेशन रेट कितना है यहां पर 5% है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली हमारी जो परचेजिंग पावर है लगभग कितने परसेंट से बढ़ेगी, 5% से बढ़ेगी, जैसा कि हम यहां देख रहे हैं कि 100 यूनिट से बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 105 यूनिट हमारी बढ़ गई है, यानी कि एक्चुअल में दिखने में हमें लग रहा है कि बैंक हमें 10% इंटरेस्ट रेट दे रहा है पर परचेजिंग पावर के टर्म्स में हमें सिर्फ जो चेंज नजर आ रहा है वो 5% का नजर आ रहा है। तो बच्चे ये जो तीनों इंटरेस्ट रेट हमारे निकले हैं 10% का, 0% का, 5% का, ये रियल इंटरेस्ट रेट है। तो
ये जो रियल इंटरेस्ट रेट है, तो इस तरह से रियल इंटरेस्ट रेट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। अब इसको फर्दर अगर हम देखें तो आगे हम इसमें चेक करेंगे फिशर्स इफेक्ट, फिशर इफेक्ट। अब फिशर इफेक्ट क्या है, लेट अस सी दैट। फिशर इफेक्ट क्या कहता है, इसी की हेल्प से यानी कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की हेल्प से, जो हमने ऊपर देखा कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट की हेल्प से ही अब हम देखेंगे आगे कि भाई फिशर इफेक्ट क्या कहता है। तो फिशर इफेक्ट ये एक्चुअल में इरविंग फिशर इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने ये 1867 से 1947 तक ही सर्वाइव्ड एंड ही हैज कंट्रीब्यूटेड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड वेरियस अदर ब्रांचेस टू इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ सी व्हाट ही सेज, ही सेज अगर इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो ही सेज दैट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कैन बी सीन एज द सम ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट एंड द इन्फ्लेशन रेट, एंड द इन्फ्लेशन रेट। अगर इसी को हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल्स टू है आर प्लस पाई, आई इज इक्वल्स टू है आर प्लस पाई। इसको बोलते हैं फिशर इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, फिशर्स इक्वेशन, इसको बोलते हैं फिशर्स इक्वेशन। इज दैट ओके? इसका मतलब क्या है कि अब सवाल आता है कि जो ये फिशर इक्वेशन क्या बताती है, ये फिशर इक्वेशन बता रही है कि चेंज इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कैन बी कॉज्ड बाय टू फैक्टर्स, कि जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चेंज होता है किसी भी इकोनॉमी में उसको दो फैक्टर्स होते हैं जो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है रियल इंटरेस्ट रेट जो कि यहां देखने में चल रहा है, रियल इंटरेस्ट रेट, और दूसरा होता है इन्फ्लेशन रेट। दूसरी चीज क्या होती है, इन्फ्लेशन रेट, कि रियल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट मिलकर डिटरमाइन करते हैं क्या, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को, कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट कैन बी डिटरमाइंड डिटरमाइंड बाय दीज टू फैक्टर्स, रियल इंटरेस्ट रेट एंड व्हाट डू यू कॉल इट, द इन्फ्लेशन रेट। अब ध्यान से देखें तो थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट करते हैं हम आगे, इसके ऊपर थोड़ा और इलेबोरेशन करते हैं कि जो हमने पीछे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ी थी, तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और फिशर इक्वेशन मिलकर हमें क्या बताती हैं, लेट अस सी दैट। द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड फिशर इक्वेशन, फिशर्स इक्वेशन, इक्वेशन टुगेदर टेल्स अस हाउ मनी ग्रोथ अफेक्ट्स द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, कि जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और जो ये फिशर की इक्वेशन है, फिशर्स इक्वेशन है जो हमने अभी पढ़ी है कि I इज इक्वल्स टू आर प्लस पाई, यानी कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू होता है रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट, ये मिलकर हमें बताती है कि
किस तरह से व्हाट डू यू कॉल इट, किस तरह से क्या कहते हैं कि मनी ग्रोथ अफेक्ट करती है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को, लेट अस सी दैट। अब इसको देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि देखो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, इंक्रीज इन मनी ग्रोथ या मनी सप्लाई, आप कह लीजिए मनी ग्रोथ ऑफ 1% causes 1% इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, यानी कि जितना परसेंट से मनी सप्लाई बढ़ेगी उतने ही परसेंट से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ये हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में पढ़ा था कि प्राइस में प्रोपोर्शनेट चेंज होता है, आपको इक्वेशन याद होगी पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी बार अपॉन में वाई, तो आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, जिस रेशो में मनी मनी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शन में प्राइस की, प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू द क्वांटिटी ऑफ मनी, ये बताती है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इस चीज को हमें कौन बता रहा है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक्सप्लेन कर रही है। अब दूसरी तरफ हम देखें तो अकॉर्डिंग टू फिशर्स इक्वेशन जो हमने अभी ऊपर लिखी हुई है कि 1% इंक्रीज इन इन्फ्लेशन विल कॉज 1% इंक्रीज इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, कि अगर इन्फ्लेशन 1% से बढ़ेगा तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी 1% से बढ़ जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं इसका, सपोज करते हैं कि यहां पर रियल इंटरेस्ट रेट एज्यूम कर लेते हैं, यहां इन्फ्लेशन एज्यूम कर लेते हैं और यहां नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। सपोज करो रियल इंटरेस्ट रेट है 5%, इन्फ्लेशन रेट है 2%, तो रियल इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, आर प्लस पाई, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हो गया 7%। अब सपोज करते हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट 5% है, इन्फ्लेशन रेट 3% है, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, 1%। तो देखो इन्फ्लेशन रेट में 1% के इंक्रीज से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में 1% का इंक्रीज हुआ। तो ये जो रिलेशन है, ये जो हमारे सामने आया है, ये इन दोनों इक्वेशन से ये जो रिलेशनशिप हमारे सामने आया है, जो ये 1-to-1 रिलेशनशिप हमारे सामने आया है इन दोनों से, ये और ये, इन दोनों से जो हमारे सामने आया है 1-to-1 रिलेशनशिप, दिस शोज, अब ये दोनों इक्वेशन क्या शो करती हैं, दिस शोज 1-for-1 रिलेशन, 1-for-1 रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड फिशर इफेक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, फिशर इफेक्ट कहते हैं, यानी कि जो 1-to-1 रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, इन्फ्लेशन रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में, कि भाई जितना परसेंटेज चेंज इन्फ्लेशन रेट में आएगा, जितने परसेंट से इन्फ्लेशन रेट चेंज होगा, यानी कि जितने परसेंट पॉइंट से इन्फ्लेशन रेट चेंज होगा उतने ही परसेंट पॉइंट से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, इसको हम बोलते हैं फिशर इफेक्ट। अब ये तो था फिशर इफेक्ट का एक पहलू, यानी कि एक साइड, जहां पर जो इन्फ्लेशन रेट है ना, ये एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है, ये क्या है, एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है, कि एक्चुअली इन्फ्लेशन कितना होगा, एक्चुअली मार्केट में इन्फ्लेशन कितना होगा, तो वो कहलाता है एक्चुअल इन्फ्लेशन। अब थोड़ा सा अगर आप लोग कॉमन सेंस लगाएं, तो क्या जब ईयर का बिगनिंग होता है क्या किसी को मालूम होता है कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन कितना होगा, रियलिटी में हम एक्चुअली इन्फ्लेशन कितना होगा ये हम नहीं जानते हैं, यस और नो? तो इसलिए जो रियल इंटरेस्ट रेट है
जो रियल इंटरेस्ट रेट है इसके दो कंसेप्ट हैं, रियल इंटरेस्ट रेट के दो कंसेप्ट बन जाते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट के दो कंसेप्ट बन जाते हैं। अब रियल इंटरेस्ट रेट के दो कंसेप्ट क्यों बन जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट के दो कंसेप्ट बन जाते हैं। कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक होता है एक्चुअल इन्फ्लेशन, एक होता है एक्चुअल इन्फ्लेशन जिसको हम एक्चुअली जानते हैं कि हां भाई ये इन्फ्लेशन रेट है, इतना इन्फ्लेशन जो एक्चुअल में होगा उसको लेट अस रिप्रेजेंट बाय पाई। एक होता है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जिसकी हम आशा रखते हैं, जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेट अस रिप्रेजेंटेड बाय पाई ई, पाई ई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, जब कोई भी बैंक शुरुआत में नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को डिसाइड कर रहा होगा, जब कोई भी बैंक शुरुआत में नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को डिसाइड कर रहा होगा, वो ये नहीं जानता होगा कि एक साल के बाद एक्चुअल में इन्फ्लेशन रेट कितना होगा। वो इस चीज की एक्सपेक्टेशन लगा सकता है सिर्फ कि हां भाई फ्यूचर में एक साल के बाद इतना इन्फ्लेशन रेट होगा, लगभग इतना इन्फ्लेशन रेट होगा। तो जो भी वो एक्सपेक्ट करते हैं यानी कि जो भी वो अंदाजा लगाता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है उसकी इक्वेशन बेसिकली बनेगी आर प्लस पाई ई। क्या बनेगी? आर प्लस पाई ई। क्यों? इस किसकी जगह? इसकी जगह जो हमने लिया था आई इज इक्वल्स टू आर प्लस पाई जो लिया था। तो ये क्या हो गया? ये तो एक्चुअल इन्फ्लेशन पर बेस्ड है। ये किस पर बेस्ड है? एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट पर बेस्ड है। बट ये किस पर बेस्ड है? ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट पर बेस्ड है। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट पर बेस्ड है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट पर बेस्ड है। तो ये वाला जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है ये ज्यादा रियलिस्टिक है, यानी कि ये जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है ये एग्जिस्ट करता है। अब अगर इसी तरह से हम देखें कि रियल इंटरेस्ट रेट के भी दो कंसेप्ट बन जाएंगे, एक वो जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के हिसाब से होगा और एक वो जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के हिसाब से होगा और एक वो जो एक्चुअल इन्फ्लेशन के हिसाब से होगा। तो जो जो रेट ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट तो जो रियल इंटरेस्ट रेट हम ऐसे लिखेंगे कि आर इज इक्वल्स टू होगा आई माइनस पाई, तो ये वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो कि एक्चुअल इन्फ्लेशन पर बेस्ड है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बोलेंगे एक्स पोस्ट इंटरेस्ट, एक्स पोस्ट रियल इंटरेस्ट रेट। इस वाले रियल इंटरेस्ट रेट को क्या बोलेंगे? एक्स पोस्ट रियल इंटरेस्ट रेट। और जो इंटरेस्ट रेट रियल इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन पर बेस्ड होगा उसको हम बोलेंगे ex-ante या ex-ante रियल इंटरेस्ट रेट। इसको हम बोलेंगे ex-ante रियल इंटरेस्ट रेट, ex-ante रियल इंटरेस्ट रेट। यानी कि ये तो वो होगा जो एक्चुअली रियलाइज हुआ है, एक्चुअली रियलाइज्ड। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा वो तो फ्यूचर में ही होगा और जो फ्यूचर में भी आएगा वही रियलाइजेशन होगा हमारा। ये क्या है? ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है, ये सिर्फ क्या है? एक्सपेक्टेड है। ये एक्चुअल नहीं होगा, ये रियल इंटरेस्ट रेट एक्चुअल में नहीं आएगा, ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट होगा कि इसको हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर एक्चुअली रियलाइज ही होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हो सकता है कि जितना हमने सोचा इन्फ्लेशन रेट उतना ही हो, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है ये ज्यादा हो ये कम हो, तो ये ज्यादा रहेगा यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहेगी पर एक्चुअल में हमें कम मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है ये हमने कम एक्सपेक्ट किया और फ्यूचर में ज्यादा हो जाए, एक्चुअल में ज्यादा हो जाए, तो इस टाइम हमने एक्सपेक्ट कम किया और हमें मिल जाएगा ज्यादा। तो अब ये जो एक रिलेशनशिप आ गया ये, तो ये डिफरेंस हो गया, ये रियल इंटरेस्ट रेट के दो कंसेप्ट हो गए। अब क्या है जो ये रिलेशनशिप आया है कि आई इज इक्वल्स टू है आर प्लस पाई ई, तो इसको भी हम बोलते हैं क्या, एक तरीके से फिशर इफेक्ट। ये भी क्या कहलाता है?
फिशर इफेक्ट कहलाता है। यानी कि फिशर इफेक्ट के दो वर्जन्स हैं। एक वर्जन तो इसमें भी हम क्या कह रहे हैं, इसमें भी क्या कह रहे हैं कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मूव्स 1-for-1 विद चेंजेस इन एक्सपेक्टेड, व्हाट डू यू कॉल इट, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, दिस इज पाई ई, पाई टू द ई, यस और नो। तो बेटे ये मतलब होता है फिशर इफेक्ट का, और ये डिफरेंस होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट में। तो आज हमने देखा कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस होता है, रियल इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस होता है। हमने ये भी देखा कि भाई नॉमिनल इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट से कैसे रिलेटेड है, ये हमने रिलेशनशिप आपके आज के इस लेक्चर में देखा है। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोगों को समझ आएगा। आज इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच आज के लिए।